विराट कोहली ने आज प्ले की, उनके एक्शन को देखकर आपको लगता है कि वो एक दिन आपका रिकॉर्ड बीट कर सकते हैं फास्टेस्ट बॉल का? यार जिस एक्शन से वो बॉलिंग करता है ना, वो एक्शन बॉलर वाला है ही नहीं, ये फ्रॉड एक्शन है। सो इस एक्शन से कोशिश ना करें। मुबारक हो इंडिया वालों को, तीन न्यू बॉलर मिल गए। हाँ यार, कुछ सभी ने बॉलिंग कराई अच्छी अच्छी, स्काई ने भी, विराट ने भी, गिल ने भी, ये लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करते हैं, नहीं, 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 हमको पता है कि आज के मैच में नथिंग टू लूज है, फखर भी कराते हैं ऑफ स्पिन वगैरह तो करना चाहिए, ताकि इन्होंने इसलिए कहा सेमीफाइनल में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो इससे एक दो ओवर निकलवा सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अगला दिखाइए। पाकिस्तानियों ने एक स्टार्ट की थी, वो जयसूर्या ने 96 में छक्के मारने शुरू किए तो पाकिस्तानियों ने कहा कि उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है, तो बॉलर को उसने 4-6 छक्के लगाए, हमें वो सिंगापुर में मारे थे उसने छक्के, तो क्या जब पाकिस्तानी प्लेयर ने बल्ला तोड़ा उसके अंदर से स्प्रिंग नजर आए, तो ऐसी यूनिक बात पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। खिलाएंगे तो, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है इंडिया की, उन्होंने देखा कि भाई इस मैच तो हमारे हाथ में, ये चेस करने तो वैसे भी नहीं जा रहे, तो उन्होंने कोहली को भी दे दिया, सूर्या कुमार को भी दे दिया, जिनका बड़ा हौलनाक एक्शन है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोलते हैं वो। 9 साल बाद विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में विकेट लिया, उनकी 5वीं विकेट है, उनकी 5वीं विकेट है। वर्ल्ड कप किसका? इंडिया गई है, वो अपने मुल्क में मजबूत है, बाहर नहीं मजबूत, अपने मुल्क में। ये वाला मैच तो जा रहा है इंडिया जी, लेकिन वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि उनकी जो विनिंग मेंटेलिटी है ना, इंडिया के पास वो नहीं है, और वो बस यही होता है उनसे, तो वो क्या वो बॉलर नहीं बने। बाकी रोहित शर्मा भी आज बस ऐसे फेंक रहे थे, मतलब वो ऐसे ऐसे नहीं कर रहे थे, आखिरी विकेट रह गई थी, वो बॉलिंग करने के लिए आया फिर भी विकेट नहीं लिया। इंडिया का जो अंशु चौधरी लिखते हैं, ताबिज हाशमी, मेरा क्वेश्चन आमिर भाई से, आपको विराट कोहली की बॉलिंग सही लगी या शादाब खान की वर्ल्ड कप में, और सभी को हैप्पी दिवाली भाई। हाँ, इंडिया में आज दिवाली है और हमारे तमाम देखने वालों को और पाकिस्तान में जो जो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। हाँ तो भाई, ऐसा है कि विराट और शादाब, अगर आपको बॉलिंग करनी हो तो किसको देंगे? अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो खास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं। और हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गॉल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है, ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट, और लगता है कि यू नो डॉक्टर्ड है ये जो जो क्रिकेट के बॉल्स हैं, या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है, और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। चीज रह गई थी वसीम भाई इंडिया ने जो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं की थी, 400 नहीं बनाए थे, आज बना दिया उन्होंने। एवरी बॉक्स काइंड ऑफ टिक, लास्ट 10 ओवर्स खेले, लास्ट 10 ओवर्स भी 12.6 के एवरेज से खेले। यप दोस्तों, आज भारत नेदरलैंड के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, 400 प्लस हम टूर्नामेंट में पहली बार स्कोर भी किए। अगर आप देखोगे, विराट कोहली का 9 साल के बाद विकेट लेना हो, या फिर रोहित शर्मा का आखिरी विकेट लेना हो, ये एक तरीके से की पॉइंट था इस मैच में, और बोनस पॉइंट था सूर्य कुमार यादव और सुमन गिल का बॉलिंग करना। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा भी हो रहा है, और ये भी बताया जा रहा है शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा का बॉलिंग पाकिस्तान स्पिन अटैक से भी बेहतर है। हालांकि ये कॉमेडी है, लेकिन पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस हिसाब से नीचे गिरा है कि अब उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या बॉलिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, वो जितना एज मच एज ही लव्स टू बॉल, लेकिन वो नहीं बॉलिंग है सर, वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, बैट्समैन बहुत बड़ा है, बॉलिंग का यार मुझे कभी इंप्रेसिंग है। हाँ, धोनी है, हाँ भाई, वो कर सकता था, उसका फिर भी थोड़ा ज्यादा लग जाता था, और वैसे ये सबको शौक होता है, ये जो बैट्समैन होते हैं ना, इनको सबको शौक होता है कि हम बॉलर बने। आके मुझे याद है एनजी भाई करते थे बॉलिंग, आके मैं कि यार इतना बड़ा फास्ट बॉलर नहीं होता, इतना बड़ा फास्ट। और मजे की बात है, विराट कोहली का एक और मैं इंटरेस्टिंग बात, विराट कोहली ने जब ओडीआई क्रिकेट में पहली बार बॉलिंग की थी तो उनकी पहली बॉल वाइड थी जिसपे स्टंपिंग हो गई थी, तो उनके फिगर थे 0 बॉल 1 रन 1 विकेट, ये यूनिक रिकॉर्ड उनके पास है। वो भी ये भी ये वाले पांव गिरता है तो फिर उनका एक्शन होता है, तो ये काफी मतलब अजीब सा एक्शन है, और इससे काफी इंजरीज भी इनको एक होलसम मोमेंट मिल एक गया। दफा ये पाकिस्तान अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का मिलकर पाकिस्तान इंडिया का एक दफा मैच हो रहा था, इसी एक्शन की वजह से ये गिरे भी थे, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत बुरा गिरे, एक बार आईपीएल में बहुत बुरा गिरे थे, इसी तरह से एक बार आईपीएल में उनको धोया भी, इन्होंने खुद बोला है एलबी मार्कल ने मारा था, बुरा एक्शन है मेरा, खुद ही बोला है इन्होंने। ताबिश हाशमी भाई, आपका शो का नाम ना हो गया, इंडियन क्रिकेट टीम ही होगी जो हार ही नहीं रही, 9-0 ये हो चुका है वर्ल्ड कप में हमारा स्कोर, बल्कि इनका स्कोर है। रोहित कहीं आपके शो से तो नहीं इंस्पायर हो गए? हमने कहा था यार, ये देखिए इंडिया ने हमारे को, हमें सीरियसली लिया रजाक भाई, अपनी टीम के लिए हम क्या नाम रखें शो का? हारना मना है, ये तो नाम है हमारा। हाँ जी, लेकिन ये तो इंडिया वाले जीत गए ना हमारी वजह से, हमारी टीम ने तो उल्टा पकड़ लिया इसका मतलब, लेकिन खेलना मना है, खेलना मना है, हमारी फीलिंग से खेलना मना है। यस, अगला भी सचिन जयसवाल लिखते हैं, व्हाट एडवाइस यू ऑल विल गिव अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल मैच वर्सेस न्यूजीलैंड, क्वेश्चन टू द पैनल, डू यू थिंक इंडियन टीम हैज एनी ओपन बॉक्सेस व्हिच आर नॉट चेक्ड इन द वर्ल्ड कप? गुड क्वेश्चन, आमिर आपसे स्टार्ट करूंगा, अगर इंडियन टीम को एडवाइस देनी। आई थिंक उनको जरूरत नहीं, द वे दे आर प्लेइंग आई थिंक इट्स ऑल गुड, एंड जैसे ऋषि भाई ने स्टार्टिंग में भी बोला है कि मतलब वो
हर शोबे में परफॉर्म कर रहे हैं ना, पिन बॉलिंग उनकी परफॉर्म कर रही है, फास्ट बॉलिंग उनकी परफॉर्म कर रही है, टॉप फोर उनके परफॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा शोबा है जो बिल्डिंग उनकी वैसी तगड़ी है? तो आगे ऑल बॉक्स, ये जो इसका सवाल है ना, खेल रहा कैप्टन नहीं हुए अभी तक, किसी ने उन पे अटैक नहीं किया। हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत है खासतौर पर, और बॉलिंग में तो आप सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली, मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी। हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गॉल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट, और लगता है कि यू नो डॉक्टर्ड है ये जो जो क्रिकेट के बॉल्स हैं या जो मर्जी कर ले, ये महारत है। प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना, वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ यू नो एक दो प्लेयर अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रेडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह के फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। दो और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा, एट पार विद ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है, 9 के 9 मैचेस जीते हैं। या अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और मतलब है कम अज कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है। इसलिए नहीं खेला गया, आदि हो चुके हैं छोटे प्लेयरों से खेलने के, और इनका माइंड सेट हो चुका है कि हमने छोटे प्लेयरों से खेलना है और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, और अपना जो है हमने ना ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाना है। 2011 का वर्ल्ड कप वो इंडिया में था, आपको नहीं पता? 2011 का वर्ल्ड कप नहीं, 2005 का या 6 का था, पता 7 का 8 का, अच्छा वो इंडिया में था। इंडिया का मैच, उसने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं अपने इंडिया में, एक इंग्लैंड में जीता है। मुझे तो मैच विनिंग टीम जो है इंडिया ही नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, पाकिस्तान की टीम भी है। छोटे स्कोर जो बड़े स्कोर हैं वो इनसे चेज होते नहीं है, ना ही ये स्कोरिंग कर पा रहे हैं, और जो इनके बॉलर्स हैं हमारे वो छोटी टीमों के खिलाफ तो अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है, जो बी टीम में है उनके खिलाफ अच्छा खेल लेते हैं, जो ए टीम में उनसे उनके खिलाफ खेला ही नहीं जाता उनसे। सर, बाबर आजम को आप विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर आजम जो है छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा स्कोर करता है, जैसे नदरलैंड होगी, आयरलैंड होगी, इनके खिलाफ करता है अच्छा स्कोर। विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, वो बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस देता है, फर्स्ट मैच में अपनी परफॉर्मेंस देता है, अपनी टीम को जितवाता है, ठीक है। देखिए, आज जो हमारे 4 एक तरीके से आप कह सकते हो बैट्समैन ने बॉलिंग किया, वो मैच में फॉर्म के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि ये मैच हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हारना जीतने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, और एक तरीके से आप कह सकते हो हम इतना स्कोर कर दिए थे कि वो टीम कभी वो रन बना भी नहीं सकता था, ताकि अगर हम विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुमन गिल और सूर्य कुमार यादव से अगर 40 ओवर भी करा जाते तो भी ये स्कोर वो नहीं कर सकते थे। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में हम ये कोशिश करेंगे कि ये 4 में से कोई एक भी बॉलिंग ना करे, अगर ऐसा हालात हमें आ गया तो आप सोच सकते हो मैच में हमारा हालात काफ़ी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अब हम तो एक तरीके से हार्दिक पांड्या जाने के बाद 5 बॉलिंग अटैक से खेल रहे हैं। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या फिर किसी का बुरा दिन आ गया, तो अगर हम मान लेते हैं कि एग्जांपल विराट कोहली से बॉलिंग किए, अगर वो टीम टाइट सिचुएशन में खेल रही होगी तो विराट कोहली बॉलिंग आने से उनका एक तरीके से आप कह सकते हो रन लीक होना शुरू हो जाएगा। अगर वो पहले से ही स्ट्रांग सिचुएशन में है और विराट कोहली बॉलिंग करने आए तो बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाला है। हमारा मेन कोशिश ये रहेगा कि जो हमारे 5 मेन बॉलर है वो हमें सेमीफाइनल और फाइनल में बॉलिंग करके हमें ट्रॉफी जिताए, बाकी कोई सीरीज में हम ऐसा हल्का फुल्का मोमेंट में बॉलिंग कर देते हैं तो बहुत ठीक है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।